तो आज ये लड़की क्या नया कारनामा करने जा रही है? जी हाँ, इस लड़की का नाम है नूरजहां, जो आए दिन सोशल मीडिया पर नए नए कारनामे करके सबको अचंभित करती रहती है। हेलो दोस्तों, मैं नेहा, नूरजहां की सिस्टर, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नूरजहां आर्टिस्ट पर स्वागत करती हूँ। वास्तव में ये लड़की प्रतिभा की बहुत धनी है और इतनी दृढ़ निश्चयी है, जो भी काम को ये ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। यह बात वास्तव में बिल्कुल सच है कि एक जो कलाकार होता है उसकी देशभक्ति व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम होता है, वह होती है कला। कला के माध्यम से आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को तो उतारता ही है, साथ में वो अपनी देशभक्ति को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है। वह अपनी देशभक्ति को अपनी कला में ही संजो कर रखता है और यही खूबी आर्टिस्ट को महान बनाने में कारगर होती है। और ऐसे कलाकारों का और कला प्रेमियों का हमारे देश में होना बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो अपने देश का नाम विदेशों में रोशन करने के लिए सतत प्रयास करते हैं। ऐसी महान विभूति को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को अपना सहयोग करना होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नूरजहां आर्टिस्ट से ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जहाँ पर नूरजहां जी आपको स्वयं ड्राइंग सिखाने वाली हैं। आज के सोशल मीडिया के युग में ऐसे कलाकार हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे देश का विकास और हमारे देश की तरक्की तब होगी जब हम एजुकेशन के तहत उन युवाओं का सपोर्ट करें जो हमारे देश को आगे ले जाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा युवा शिक्षित होगा, अगर शिक्षा का प्रसार होगा, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही महान कीर्तिमान ये हैं जिनकी तस्वीर नूरजहां अपनी कलम से उतार रही है, जिनका हमारे भारत निर्माण में बहुत योगदान है। तो इन्हीं की देशभक्ति में लिपटी हुई इस कलाकार ने देखते ही देखते देश के महान दिग्गज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र उतार दिया। अगर आपको इस कलाकार की चित्रकारी जरा भी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नूरजहां के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।